एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर. देखो ये दो टॉपिक मैंने एनसीईआरटी में देखे नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव के तो रिजल्ट हम करेंगे इसका. और एक लाइन में इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ. कोई कहता है जी मैं शेप चेंज करने वाला हूँ, मेरे को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छा नहीं लगते. तो मैंने कहा क्या अच्छा लगता है? गोल गोल कैपेसिटर अच्छे लगते हैं. कह रहे एक शेल ले लो, शेल के ऊपर क्यू चार्ज है, और फिर इसके बाहर एक और शेल ले लो. तो इसको क्यू चार्ज दो, माइनस क्यू अर्थ कर दो. अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, राइट. तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल. तो किसी भी इंस्टेंट पर स्मॉलर डिस्टेंस पे ई का फॉर्मूला क्या होगा? इनर शेल ई क्या लगाएगा? 1/4πε0Q/r² और आउटर तो लगाएगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट इसके अंदर है. तो इसमें अगर मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ तो ये चार्ज को दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दूंगा, कैपेसिटेंस आ जाएगी. तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा इनिशियल हो जाएगा. तो देखो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला पुट कर दिया. कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? इनर शेल से आउटर शेल, रेडियस ए से बी कर रहे हैं. अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेट करके पोटेंशियल डिफरेंस ही आ जाएगा. और मैं अगर कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ तो क्यू को इस पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करूँगा तो कैपेसिटेंस आ जाएगी. मेरे को लगता ही आएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा दिया गया है. आप ऑब्जेक्टिव के अंदर इसका फॉर्मूला नोट कर लें, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है. अगर आ जाए फिर भी उन्हें तरीका बता दिया बाई चांस, पर दादा ये फॉर्मूला नोट कर लें, ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है. ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये आइसोलेटेड स्फेयर नहीं है. आइसोलेटेड स्फेयर की कैपेसिटेंस 4πε0 आ रहा है, ये दो शेल वाला कैपेसिटर है. तो ये फॉर्मूला नोट करें और डायग्राम बना लें. ए का मतलब इनर रेडियस है, बी का मतलब फाइनल रेडियस है, ये बना लें प्लीज़.